नारायणपुर नगर निगम सीमा गर्मी के मौसम से पहले ही पानी की किल्लत होने लगी है। सप्ताह में दो बार पानी का आना जल संकट दर्शाता है। नलों और बर्तनों की लाइन महिलाओं का आपस में विवाद पानी के लिए जल के संकट को इंगित करता है। वहीं बुरहानपुर जिले के कई इलाकों में स्थिति तो यह है कि रोजाना महिलाओं को सुबह उठकर करीब 2 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता है। बुरहानपुर जिले के पिछले कई वर्षों से लगातार एक दिन के अंतर से ही 48 वार्डों से जल प्रदाय किया जा रहा है, किंतु बुरहानपुर के कुछ मोहल्लों में तो पीने योग्य पानी भी नहीं आता और कुछ में सप्ताहों में दो बार पानी आता है। बुरहानपुर में जल स्तर नीचे जा चुके हैं। शहर में जहाँ 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए, वहाँ अब केवल 45 लीटर प्रति व्यक्ति ही पानी मिल रहा है। यही नहीं, जनता का आक्रोशित होकर आए दिन या तो नगर निगम को घेराव करती है या फिर मटका फोड़ आंदोलन भी करती है, तो वही विपक्ष भी तेवर के दिखाने में कोई कमी नहीं करता है। इसे लेकर महापौर भी चिंतित है और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर चिंता जता रहे हैं, तो वही विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। जहां पानी की किल्लत है वहां पहुंचकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं, तो वही नगर निगम में बैठक कर लेकर जल समस्या को दूर करने के लिए चिंतन कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि आसपास के जितने भी शासकीय अशासकीय एवं किसानों के कुएं हो उन्हें अग्रहित करके लोगों को पानी मुहैया कराए, ताकि पानी की किल्लत से लोगों को निजात मिल सके। बुरहानपुर से संवाददाता राजू राठौड़, इंडिया न्यूज़ एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश।